स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो चलिए बताती हूँ क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे ब्रेड पकौड़े को। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने 4 बॉईल किया हुआ आलू छिलके और कद्दूकस कर लिया है, और इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज को मैं ऐड कर दूँगी, और उसके बाद से 2 बारीक कटा हुआ इसमें मिर्च डालूँगी मैं। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो और डाल सकते हैं। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं डालूँगी हरे धनिया के पत्ता। तो उसके बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करूँगी, और थोड़ा सा तीखा बनाना है तो लाल मिर्च थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ, 1/4 टेबल स्पून है, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसमें और भी मसाले ऐड करना चाहते हैं, जीरा पाउडर ऐसा, तो ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। और चलिए अब एक बॉल ले लेते हैं, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कटोरी बेसन। तो एक बेसन के अंदर अब मैं डाल दूँगी इसमें 3 से 4 चम्मच चावल का आटा। इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, तो हमने ऐड कर लिया है। और इसमें टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे, याद रहे कि नमक आलू में भी है। और हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए। थोड़ा सा तीखा करने के लिए इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ, और ये डाल रही हूँ जीरा पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड करूँगी, इससे अच्छा बनता है। उसके बाद अजवाइन डालूँगी 1/4 टेबल स्पून, और मैं इसमें 1 नींबू का जूस निचोड़ दूँगी। आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी थोड़ा डाल सकते हैं, बट नींबू डालने से ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अब इस सबको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार करेंगे। और घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हमें इस तरीके का बेटर चाहिए। आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल गाढ़ा ही बेसन वेटर चाहिए हमें। तो हमने अब ले लिया है ब्रेड, और ब्रेड को हम इस तरीके से रख लेंगे, और उस पर हम लगाएंगे टमाटो केचप। तो एक ब्रेड पे हम इस तरीके से टमाटो केचप को लगा लेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी चटनी आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने लगा लिया है यहाँ पे टमाटो केचप, और दूसरे पे हम लगाएंगे ग्रीन चटनी, ये धनिया और मिर्च का चटनी है, और चटनी का हमारे वीडियो पे आप देख सकते हैं डाला हुआ है, इसका लिंक मैं दे दूँगी आपको। तो फ्रेंड्स, एक में हमने टमाटो केचप और दूसरे में हरी चटनी लगा दी है, और उसके बाद मैं आलू का जो बेटर तैयार करी हूँ उसे अब इस तरीके से फिल करूँगी। तो पूरे ब्रेड पे हम अच्छा से स्टफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं पूरे ब्रेड पे मैंने आलू का फिलिंग बेटर फैला दिया है इस तरीके से। उसके बाद दूसरे ब्रेड को उठा के हम इस तरीके से और प्रेस कर देंगे हाथों से। तो आप देख सकते हैं हमने प्रेस कर दिया है, और इस तरीके से, और एक चाकू की मदद से इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया है, और जो आप चाहें तो इसी तरीके से बनाने के बाद भी, पकौड़े तलने के बाद भी कट कर सकते हैं, बट मैं पहले ही कट कर रही हूँ। और आप, ये मैं सिंपल बना के दिखा रही हूँ, आप चाहें तो आप चटनी या टमाटो केचप के बिना भी बना सकते हैं इसे। तो इस तरीके से आप बिना चटनी या बिना टमाटो केचप, आपको ये सब पसंद नहीं है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसे भी इसी तरीके से हमें तैयार करना है, और आप देख सकते हैं प्लेन भी हमने बना लिया है, और इस तरीके से इसे भी एक चाकू से हम कट कर लेंगे। तो एक कट हो चुका है, तो दोनों तरीके का ब्रेड हमारा तैयार है तलने के लिए। तो चलिए अब गैस पे कढ़ाई रखते हैं, और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसे गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गर्म हो चुका है, तो ये बेटर में इस तरीके से हम ब्रेड को लेंगे और इस तरीके से डिप करेंगे, और फिर कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने डाल दिया है, और दूसरे ब्रेड को भी हम इसी तरीके से इसमें डिप करने के बाद और कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी, और जितना आए उतना ही डालना है, तो मैं 2 ही डालूँगी इसके अंदर। और इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद मैं इसे पलट लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे एक साइड से सिक चुका है, और कलर भी अच्छा आ गया है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इसे सेक लेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हो चुका है, और हमने निकाल लिया इसे। इसी तरीके से सारे ब्रेड पकौड़े को हमें तल लेना है,
और जो बहुत जल्दी तैयार होने वाला रेसिपी है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे ब्रेड पकौड़े हमने फ्राई कर लिए हैं, तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएं और हमें ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है। और इस पकौड़े को आप टमाटो केचप या हरी चटनी किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें।